बच्चों अब है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो क्या है आपके पास, इसमें आपको तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू x प्लस फोर और आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, और क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि दो की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये दो में रिड्यूस हो जाएगा, या फिर तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो बिल्कुल सिंगल में ही रिड्यूस हो जाएगा, तो यू प्लस वी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ना करके कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो लंबा सा दिखे, तो आप कैसे करोगे, इनको तीन फंक्शन मान लोगे, यू वी और डब्लू, यू वी और डब्लू। अगर आपके पास तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है और आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्लू। तो इसमें क्या होगा आपके पास, हमेशा याद रखो चाहे कितने भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो, क्या रूल होता है आपके पास, एक फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, फिर एक फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, फिर एक फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज। तो इसका डेरिवेटिव कितना बन जाएगा आपके पास, यू और वी को रखा एज इट इज, किसका डेरिवेटिव कर दो, डब्लू का। ठीक है, प्लस अब वी का नंबर, तो आपके पास यू और डब्लू को रखो एज इट इज, किसका डेरिवेटिव कर दो, वी का। फिर क्या करो, u का कर दो डेरिवेटिव और v और w को रखो एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसका आप किस तरह से निकालोगे इसका डेरिवेटिव, अगर इस फॉर्मूले को आप फॉलो करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दो को रखो एज इट इज, यानी कि x प्लस फोर और एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन को रखा एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करोगी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस, अब इन दो फंक्शन को रखोगे एज इट इज, यानी कि एक्स प्लस फोर और एक्स स्क्वेयर प्लस वन को रखो एज इट इज। डेरिवेटिव किसका करोगे, बीच वाले का, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन। फिर क्या करो, लास्ट दोनों को रखो एज इट इज, फर्स्ट का कर दो डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन को रखा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करोगे, एक्स प्लस फोर का। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, ये आपके पास क्या है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट कर दो इनका, कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस x की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, फोर की जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस फोर। ये तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास, पावर को ले आओ आगे, ठीक है, और एक पावर कर दो कम, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये टू एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपके पास आ गया इसका डेरिवेटिव, प्लस अब इन दोनों का कर दो प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा देखो, ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में, ये तो प्रोडक्ट में ही करो इनको, तीन फंक्शन का सम है, तीनों का डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या आएगा, तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये पावर तो आ जाएगी आपके पास आगे, कितना हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है, और एक पावर कम करोगे तो आगे वन। अब टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू तो एज इट इज, एक्स की पावर कितनी है वन, वन को आगे ले आओ और एक पावर को कम कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, टू ही आ जाएगा, और वैसे भी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन, इसको याद ही रखो आप, ठीक है। फिर वन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि वन क्या है आपके पास, कांस्टेंट। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, प्लस इन दोनों की करो प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स की पावर फोर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री ये और वन पावर ये, तो टू एक्स क्यूब प्लस ये कितना बन जाएगा आपके पास, टू एक्स, टू एक्स प्लस वन की जब इससे प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव आएगा, एक्स का डेरिवेटिव तो कितना होता है आपका वन, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, जीरो। तो आपके पास डेरिवेटिव करने के बाद ये रिजल्ट आ गई। अब क्या करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और ये तो आपके पास वन के साथ मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा आपके पास,
टू एक्स की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कर लेना, जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, अब तो पावर ऐड कर दो और बाद में जो सेम सेम कोफिशिएंट है उनको इकट्ठा लिख लो, ठीक है।